मुफ्ती साहब, कल ईद उल अज़हा का मौका है, आपकी मस्जिद में नमाजी और क्या क्या रीति रिवाज निभा रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। कल ईद उल अज़हा है और हम तमाम मुल्क के वासियों को, मुल्क में रहने वालों को ईद की मुबारकबाद और खुसूसन शहर फरीदाबाद के रहने वाले को ईद उल अज़हा की मुबारकबाद पेश करते हैं और हम अपील करते हैं कि हमें ईद उल अज़हा का त्यौहार बहुत सुकून, अमन और शांति के साथ मनाना है। शरीयत मुतहरा ने और हुकूमत वक्त ने जिन चीज़ों की पाबंदी की है, जैसे कि अवैध जानवर, उनकी कुर्बानी नहीं करनी है, जानवरों को खुले में सिबा नहीं करना है, उनकी आलाइश गंदगी ऐसे मकाम पर दूर जा कर डालनी है जहाँ पर कूड़ा ही डलता है, या अपने यहाँ कच्ची ज़मीन है उसको खोद करके वहाँ पर ही दफन करना है, क्योंकि शरीयत के अंदर आलाइश में काबिल एहतराम है। इसी तरीके से जब हम ईद उल अज़हा का त्यौहार मनाएं, कुर्बानी करें, तो बिरादरान वतन का इसमें ख़ास ख्याल रखें, हमारी जानिब से किसी को तकलीफ न पहुँचे। नमाज के ताल्लुक से आपने पूछा है, हमारी दरख्वास्त यही है और हम बार बार अपील कर रहे हैं कि जिस तरह हमने ईद उल फित्र यानी ईद की दिन की नमाज अपने घरों पर अदा की है, ऐसे ही हम अपील कर रहे हैं कि तमाम मुसलमान फरीदाबाद शहर के खुसूसन अपने अपने घरों पर ईद उल अज़हा की नमाज अदा करें। मस्जिद के अंदर वही नमाज पढ़नी जो मस्जिद का पाँच आदमी का स्टाफ है, एक इमाम, नायब इमाम, दो सफाई करने वाले और एक मुअज्जिन, वही लोग इंशाल्लाह नमाज पढ़ेंगे। और हम इस कोरोना के लिए दुआ कर रहे हैं, करते रहेंगे कि अल्लाह बीमारी महामारी ख़त्म हो जाए और पूरे मुल्क से, खुद हमारे मुल्क से ख़त्म हो जाए, हम इसी की दुआ कर रहे हैं। अल्लाह पाक हमारी दुआ को कबूल फरमाए। अस्सलाम वालेकुम सभी हज़रात, मैं मोहम्मद साजिद सैफी, मरकज़ मस्जिद ईदगाह कमेटी का कैशियर ओल्ड फरीदाबाद से आप सभी को ईद की बहुत 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 मुबारकबाद देता हूँ। और मैं आप सभी से ये कहना अपील करता हूँ कि अपने घर पर रहकर ईद उल अज़हा की नमाज घर पर पढ़ें और ज़्यादा से ज़्यादा डिस्टेंसिंग का पालन करें। जैसे कि कोरोना का टाइम चल रहा है, आप सबको पता है, मस्जिदें बंद हैं, और मैं ये अपील करता हूँ कि मस्जिद में सिर्फ स्टाफ लोग ही नमाज अदा करेंगे, बाकी सब अपने घर पर रहकर नमाज अदा करें और अवैध जानवरों की कुर्बानी ना करें, उससे परहेज करें।